Hey guys, it's me, Namrata Dagra, twice UGCNET and qualified in English and now working as an assistant professor in English as well. So in this video, we're going to discuss about a poem prescribed in the syllabus of MA English previous year. And the poem's name is My Vocation. It's by Toru Dutt, an Indian English writer, a Bengali translator rather. सो गाइज एज यू नो कि जो पोइम्स प्रिस्क्राइब की हुई हैं कुछ हेनरी विविन डेरोजियो की भी हैं जो कि अवेलेबल नहीं है जिनकी एक्सप्लेनेशन नेट के ऊपर तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया एक वीडियो इन पर बनाने के लिए सो आई ब्रॉट दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज सो दैट आपकी सिलेबस में हेल्प हो सके सो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन मेरी इंटरप्रिटेशन अच्छी लगे और अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं तोरू दत्त एज अ राइटर एज अ पोइट के रूप में सो लेट्स डिस्कस तोरू दत्त एज अ पोइट फर्स्ट ऑफ ऑल यस सो एज यू नो गाइज तोरू दत्त वॉज एन इंडियन इंग्लिश राइटर जो कि बंगाली ट्रांसलेटर थी और मल्टी लैंग्वेज थी बहुत सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी इंग्लिश हिंदी के अलावा उन्हें बंगाली तो उनकी मदर टंग ही थी कलकत्ता में क्योंकि वो रहती थी और बंगाली ट्रांसलेटर थी कुछ टाइम के लिए वो फॉरेन गए तो उन्होंने फ्रेंच भी सीख ली और इंडिया में रहते हुए उन्होंने संस्कृत भी सीखी तो बहुत सारी बेसिकली लैंग्वेजेस उनको आती थी और प्राइमरीली उनकी टू एंथोलॉजीज हैं एंथोलॉजी कहते हैं कलेक्शन ऑफ पोइम्स जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं जैसे कि फर्स्ट वन इज शीफ ग्रीन्ड इन द फ्रेंच फील्ड्स एंड सेकेंड वन इज एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान तो जो कि शीफ ग्रीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स की ही कलेक्शन में से उनकी पोएम माई वोकेशन ली गई है जो कि एक फ्रेंच म्यूजिशियन थे सॉन्ग राइटर थे उनकी पोएम की ट्रांसलेशन की है फ्रेंच सॉन्ग था उनका उसकी ट्रांसलेशन करके उन्होंने इसको इंग्लिश में पब्लिश करवा दिया एंड यस तोरू दत्त जो है 1856 में उनकी उनका जन्म हुआ बर्थ हुआ और 1877 में एट द एज ऑफ 21 ओनली शी डाइड ऑफ कंजम्पशन लाइक हर टू सिबलिंग्स अरु एंड अबजू अरु उनकी एल्डर सिस्टर थी और अबजू उनका एल्डर ब्रदर था तीनों बहन भाइयों की डेथ ट्यूबरक्यूलोसिस से ही हो गई अरु अबजू उनके दो बड़े भाई बहन थे और तोरू दत्त वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द होम यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द हाउस ओके तो इनके भी 21 की एज के अंदर हो गई लेकिन फिर भी देखिए इन्होंने कितना अपना नाम रोशन किया कितना ज़्यादा फ्रूटफुल इनका काम रहा इतनी छोटी सी उम्र के अंदर भी इन्होंने इतना नाम कमा लिया कि आज भी इनको हम याद करते हैं तो 21 की एज तक ये जी थी सो जैसा कि इनके फादर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते थे तो इस जॉब के चलते हुए उन्हें माइग्रेट भी करना पड़ा कुछ साल इन्होंने फ्रांस में बिताए कुछ साल इन्होंने इंग्लैंड में बिताए तो इसलिए फॉरेन में रहते हुए इन्हें अपने होम टाउन की बहुत ज़्यादा याद आती थी ये बहुत मिस करते थे कलकत्ता को और इसीलिए इनकी पोइम्स के अंदर प्राइमरीली जो थीम है उसमें नॉस्टैल्जिया जो है वो बेस बन के आता है मतलब नॉस्टैल्जिया जो है नॉस्टैल्जिया कहते हैं होम सिकनेस को मतलब उनको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आती थी अपनी कंट्री की बहुत याद आती थी इंडिया से बहुत ज़्यादा अटैच थे वो और उनकी मदर जो है उनको बहुत ज़्यादा बेड टाइम स्टोरीज में जैसे लेजेंड्स की कहानियाँ सुनाती थी सीता माता की रामायण की कहानी और इस टाइप से काफ़ी इनका स्पिरिचुअल माहौल था और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इनकी लाइफ के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तोरू वॉज 6 years old 6 साल की जब तोरू थी तब उनके फादर ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली थी क्रिश्चियन ने जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसमें कन्वर्ट हो गए थे उनके फादर लेकिन मदर ने रेसिस्ट किया बट कुछ टाइम के बाद उनकी मदर भी क्रिश्चियन बन गई तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई और फिर जो है इनके मदर और फादर भी थोड़े इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड से थे ये भी लिखा करते थे ओके तो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड तो इनका था ही और क्योंकि प्राइमरीली ये हिंदू ही थे बेसिकली बाद में क्रिश्चियन धर्म इन्होंने अपना लिया था वो अलग बात है बट प्राइमरीली इनके रूट्स जो है वो हिंदुइज्म में ही थे और इसीलिए इनकी जो पोएम सीता है उसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि सीता माता की स्टोरी वो बताती हैं और बहुत ही अच्छा इनका नैरेटिव स्टाइल है जिससे कि ये अपनी स्टोरी में पोर्ट्रे करती हैं
और यस नाउ माय वोकेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम जानते हैं कि इनके जो भाई बहन थे उनकी बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी, और इसी वजह से तोरू जो है अपने भाई बहन को बहुत ज्यादा मिस करती थी। और ये थीम जो है इनकी पोइम्स के अंदर, नॉस्टैल्जिया और लॉन्गिंग फॉर हर चाइल्डहुड, हर सिबलिंग्स, लोनलीनेस, सैडनेस, ये सब चीजें उनकी पोइम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओके तो चलिए पोइम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि माय वोकेशन, द टाइटल, टाइटल का मतलब क्या है? वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिसके लिए आप क्वालिफाइड हो, दैट इज योर वोकेशन। सो तोरू दत्त को अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार था, ये हमें इस पोएम से देखने को मिलेगा, इस पोएम के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लाइन से। यस एंड हियर आई गो। ओके सो फर्स्ट लाइन इज, अ वेव ऑन दिस अर्थ, सिक, अगली एंड स्मॉल। वेव, वेव का मतलब होता है एक लावारिस, कोई भी लावारिस जिसके पास रहने का कोई ठोर ठिकाना नहीं। ओके, अ वेव ऑन दिस अर्थ, एक लावारिस इंसान इस धरती के ऊपर। सिक, जो सिक है, बीमार है। अगली, जो बदसूरत है, भद्दा दिखता है। एंड स्मॉल, छोटा भी है। कंटेम्ड फ्रॉम माई बर्थ एंड रिजेक्टेड बाय ऑल। कंटेम्ड सुना है आपने, इसमें लिखा है कंटेम्ड, टी लिखा है, लेकिन मीनिंग वही है, कंडेम, कि नफरत की दृष्टि से, नफरत की नजर से सब लोग उसको देखते हैं। फ्रॉम माई बर्थ, जब से मेरा जन्म हुआ है ना, तभी से मतलब सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। तो माई वर्ड से पता चलता है कि ये कंप्लीटली ऑटोबायोग्राफिकल है पोएम। ओके तो अपने बारे में ये लिख रही हैं कि कंडेम्ड फ्रॉम माई बर्थ एंड रिजेक्टेड बाय ऑल, सभी लोगों ने मुझे धिक्कार दिया, नफरत की निगाह से देखा मुझे और रिजेक्ट कर दिया सबने मुझे। फ्रॉम माई लिप्स ब्रॉक, फिर मेरी चुप्पी टूट जाती है, मेरी चुप्पी जब टूटी तो क्या निकला? वेर, ओ वेर शैल आई फ्लाई, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ चले जाऊं मैं उड़ के इस सब एनवायरनमेंट से दूर, कहाँ चले जाऊं मैं जहां सब मुझसे नफरत करते हैं, तो इससे दूर मुझे भाग जाने का मन करता है, बट कहाँ जाऊं मैं? हु कंफर्ट विल ब्रिंग, कौन मुझे कंफर्ट देगा, कहाँ जाके मैं रिलैक्स होऊंगी, ऐसी कौन सी जगह है, यहाँ तो मेरा दम घुटता है, सफोकेशन मुझे हो रही है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है और मैं ऐसे माहौल में नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मुझे शांति मिलेगी? सिंग, सेड गॉड इन रिप्लाई, चैंट पुअर लिटिल थिंग। सिंग, सिंग मतलब गाना, लेकिन यहाँ इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, गाने के साथ साथ पोएम लिखना भी, इसलिए सिंग इज एसोसिएटेड विद पोएम राइटिंग। ओके द प्रोफेशन ऑफ द पोइट, सेड गॉड इन रिप्लाई, तब गॉड ने मुझसे कहा सिंग, तुम गाओ, तुम लिखो, पोइट्री लिखो, चैंट पुअर लिटिल थिंग, जो तुमने लिखा है उसको गाओ, बार बार तुम यही काम करो। नेक्स्ट स्टैंजा, लाइफ स्ट्रक मी विद फ्राइट फुल ऑफ चांसेस एंड पेन। पोइटस सेज कि लाइफ जो है, लाइफ में मुझे बहुत डर लगता है, फ्राइट फुल ऑफ चांसेस एंड पेन, लाइफ ने मुझे हमेशा स्ट्रक किया, हिट किया फियर से, मतलब बहुत ज्यादा डर लगा मुझे लाइफ से हमेशा, हालांकि चांसेस भी बहुत मिले, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिली, लेकिन पेन भी उतना ही था, हमेशा मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े लाइफ के अंदर। ओके सो इसलिए मैंने क्या किया, आई हग्ड विद डिलाइट द ड्रजेस हार्ड चेन। ड्रज का मतलब होता है हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। ओके और हार्ड चेन मतलब जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पाथ है, तो पोइटस कहते हैं कि मैंने बड़ी खुशी से हार्ड वर्क के रास्ते को चुन लिया। वन मस्ट ईट येट आई डाई लाइक अ बर्ड विद क्लिप्ड विंग। तो क्या कहा पोइटस ने, कहती हैं कि
हार्ड वर्क के रास्ते को तो मैंने चुन लिया, लेकिन इसमें तकलीफ बहुत होती है. ओके, वन मस्ट ईट लाइक अ बर्ड विद क्लिप्ड विंग. क्लिप्ड विंग मतलब क्लिप यानी कि काट देना. मैं फिर भी ऐसा फील करती हूँ जैसे कि एक पंछी जो होता है, एक बर्ड है, उसके पंख काट दिए हों. अगर किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं, किसी बर्ड के अगर पंख काट दिए जाएं, फिर भी उसको जीना तो पड़ेगा ना. वन मस्ट ईट मतलब उसको जीना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा और अपनी लाइफ को वैसे ही जीना पड़ेगा जैसे उसको जीना है. जितनी लाइफ उसकी है उतना उसको जीना ही पड़ेगा. येट आई डाई लाइक अ बर्ड विद क्लिप्ड विंग. और इतनी तकलीफों के बावजूद मैं हर दिन पल पल मरती हूं. येट आई डाई लाइक व्हाट, लाइक अ बर्ड विद क्लिप्ड विंग. Then sing, said God in reply, chant, poor little thing. फिर भी मुझे अंदर से आवाज आती है, God की आवाज आती है कि तुम गाओ, तुम लिखो, chant, poor little thing. तो यहाँ पर poetess कहना चाह रही है कि बहुत सारे challenges उन्होंने life में face किए, बहुत सारे difficulties उन्होंने face की, फिर भी वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है, बहुत hard work करती है वो लिखने के लिए, but still उनको ऐसा लगता है कि पल पल वो मर रही हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मिस करती है वो अपने अरू और अबजू, अपने सिबलिंग्स को, और बीमार भी हैं वो, उनको टीबी है. और उस वक्त का जो टाइम अगर हम सोच के देखें तो उस वक्त टीबी का इलाज नहीं हुआ करता था. तो हालांकि हेल्थ वेल्थ तो है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो वेल्थ का क्या करोगे हेल्थ ही नहीं है. तो सारी चीज़ें मिला करके उनके दुख का कारण बन जाती है. और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तड़प रही हूँ उस पक्षी की तरह जिसके पर काट दिए गए हैं, फिर भी मुझे जीना तो पड़ेगा ना. Then the next stanza says, Love cheered for a while, my moan with his ray. यहाँ पर पोइटस ने लव को पर्सोनिफाई किया है. कहती है कि लव चीयर्ड फॉर अ वाइल. चीयर करना मतलब खुश करना, हौसला देना, और फॉर अ वाइल मतलब थोड़े से टाइम के लिए. माई मोन, मोन मीन्स मॉर्निंग, सुबह, विद हिज रे. कहती है कि लव ने एक बार, प्यार ने मुझे चीयर करने की कोशिश की थोड़े से टाइम के लिए ही सही, जैसे कि एक मॉर्निंग, हर सुबह जो होती है, सुबह की जो पहली किरण होती है उसको हम एक होप के साथ सिंबलाइज करते हैं, एक आशा की किरण कहते हैं सुबह की शुरुआत को. तो लगता है कि एक बार लव ने मुझे चीयर करने की कोशिश की एक सुबह की, एक रे के रूप में, सुबह की पहली किरण के रूप में. ये तो हो गया सरफेस मीनिंग. अब इसका थोड़ा सा डीप मीनिंग देख लेते हैं. डीप मीनिंग का ये मतलब हो सकता है कि पोइटस को लगता है कि एक तो चलो कम से कम कोई ऐसा है जो मुझसे प्यार करता है. शायद कोई एक ऐसा इंसान आया हो इनकी लाइफ के अंदर जो इनसे भी प्यार करता है, जो इनकी वैल्यू समझता है, जो इनकी कद्र करता है. तो कहती हैं कि चाहे वो थोड़े से टाइम के लिए सही, एक बार मुझे लव ने चेयर करने की कोशिश की. और वो एक इंसान कौन हो सकता है? हो सकता है वो अरू से बिछड़ने का गम मना रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जब वो फ्रांस में रहती थी तो मैरी मार्टिन नाम की एक फ्रेंड बन गई थी उनकी, बहुत ही अच्छी. और जब तक तोरू दत्त की डेथ नहीं हो गई थी तब तक वो मैरी मार्टिन को फ्रांस लेटर्स भेजा करती थी कंटिन्यूली. तो हो सकता है कि जब वो फ्रांस से वापिस आ गई हो तो डिस्टेंस बढ़ गया ना. वो इंडिया में है अब तोरू दत्त, और वो मैरी मार्टिन फ्रांस में रह गई, तो अब वहां से बिछड़ने का भी गम हो गया उसको. तो हो सकता है इस बारे में बात कर रही हो. बट अब ये खुशी उनकी है. बट लाइक अ रिपल और स्माइल माई यूथ पास्ड अवे. रिपल होता है एक लहर या हवा का कोई झोंका होता है, वो सडनली बस एक सेकंड के लिए आता है और फिर चला जाता है. जैसे स्माइल और स्माइल, पोइटस कहती हैं कि एक रिपल, एक लहर या फिर एक स्माइल की तरह मेरा यूथ जो है वो चला गया, पास्ड अवे. मेरी जवानी नहीं रही, मैं बूढ़ी हो गई हूँ टाइम से पहले. और 21 की एज में तो इनकी डेथ ही हो गई थी, तो क्या कोई 21 की एज में बूढ़ा हो सकता है, या उससे भी पहले? नहीं हो सकता ना.
लेकिन पोइटस क्योंकि बीमार है और वो अपने यूथ को उतना एंजॉय नहीं कर सकती, एक्साइटिंगली वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकती जैसे कि आम लोग, आम बच्चे कर सकते हैं। तो शायद इसलिए वो दुखी है और कहती है कि एक हवा के झोंके की तरह या एक छोटी सी लहर की तरह, एक मोमेंट्री स्माइल की तरह उनका यूथ जो है वो कब चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है उनकी लाइफ के अंदर, बिल्कुल भी एनर्जेटिक वो फील नहीं करती है जैसी उनकी उम्र के बच्चे करते हैं। ओके नाउ नियर ब्यूटी आई साई बट फ्लेड इज द स्प्रिंग। और कोई भी सुंदर चीज, खूबसूरत चीज कोई भी देखती है तो कि जो आसपास में कोई भी खूबसूरत चीज अगर वो देखती है तो उसको देख के वो आंख भरती है कि जैसे काश मैं भी इसकी तरह होती, काश मेरी लाइफ में भी इतनी खुशियां होती जैसे कि ये नेचर इतना खूबसूरत है, काश मैं भी होती। बट फ्लड इज द स्प्रिंग, लेकिन मेरी खुशियां तो जा चुकी है, मेरी लाइफ खत्म होने वाली है। सिंग सेड गॉड इन रिप्लाई, चैंट पुअर लिटिल थिंग। और फिर भी मुझे अंदर से आवाज आती है कि मैं लिखूं, गाऊं। ओके नेक्स्ट स्टैंजा, ऑल मैन हैव अ टास्क एंड टू सिंग इज माय लॉट। इस धरती पर जो भी इंसान आता है हर एक के पास कोई ना कोई टास्क होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान फ्री हो, कोई भी इंसान फ्री नहीं रहता है। सबके पास अपने अपने काम अलॉटेड होते हैं जो कि गॉड ने उनको दिए हैं। एंड टू सिंग इज माय लॉट, लॉट होता है डेस्टिनी, तकदीर। तो टू सिंग इज माय लॉट, लिखना मेरी डेस्टिनी है, मेरी तकदीर में है। नो मीड फ्रॉम मैन आई आस्क, मीड होता है रिवार्ड। तो कहती है पोएटिस कि मैं अपने इस प्रोफेशन के लिए मैं किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखती कि वो मुझे सम्मानित करे, मुझे अवार्ड दे या रिवार्ड दे कोई। मैं ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती किसी से भी, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वो मुझे अवार्ड दे मेरे लिखने के लिए। बट वन काइंडली थॉट, बस मैं ये चाहती हूँ कि बस एक ही चीज चाहती हूँ मैं आप सभी से, जो लोग हैं मेरे आसपास, कि वो मुझे मेरे टुवर्ड्स बिल्कुल काइंड हार्टेड रहे। वन काइंड थॉट, यानी कि मेरे बारे में अपने इंटेंशंस को अच्छा रखे, बस वो मेरे लिए बेनेवोलेंट रहे, वो काइंड हार्टेड रहे, वो मुझसे रूड ना हो। जैसा कि उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में कहा था कि मैं अगली हूँ, सिख हूँ, इसलिए मुझे सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए अब वो कह रही हैं कि मुझे आप लोग कोई रिवार्ड मत दीजिए, चाहे बस मुझसे नफरत भी मत कीजिए, ठीक है। माई वोकेशन इज हाई, मेरा जो वोकेशन है यानी कि जो मेरा प्रोफेशन है बीइंग अ पोइट, माई प्रोफेशन इज टू राइट पोएम्स। तो कहती है कि मेरा प्रोफेशन है जो बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है, बहुत सुप्रीम है वो, क्योंकि वो मुझे गॉड ने दिया है, एटर्नल पावर ने मुझे ये प्रोफेशन दिया है, लिखने का काम दिया है, इसलिए ये बहुत ऊंचा है। अमिट द ग्लासेस दैट रिंग स्टिल कम्स दैट रिप्लाई, chant poor little thing amid the glasses that ring। mid से पहले, m से पहले जो है ना एक apostrophe है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है amid, amid मतलब बीच में। glasses that ring, glasses जो कांच के glass होते हैं, जब cheer की आवाज करते हैं, मतलब जब रिंग मतलब कांच के glasses की आवाज, तो ऐसे glasses की आवाज कब आती है, जब हम करते हैं cheers, ठीक है। तो ये जो आवाज है, ऐसी आवाज कांच के ग्लासेस की कहाँ आ सकती है, या तो किसी पार्टी में या किसी बार के अंदर जहाँ लोग ड्रिंक करते हो, ओके वहां चीयर्स करते हैं बहुत से लोग। और वो कहती हैं कि इन ग्लासेस की आवाज के बीच में भी मेरा प्रोफेशन जो है वो बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर एक तरीके से एक एडवर्स एनवायरमेंट पोर्ट्रे किया है पोइटिस ने, और कहा है शायद वो एक ऐसे जगह पर हूँ जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी में शायद वो आई हूँ वहाँ पर, किसी बार में अपनी पोइम्स सुनाने आई हूँ, गाने आई हूँ, और वहाँ पर बहुत से लोग हैं, हर तरीके के लोग होते हैं वहाँ पर, तो बैड पीपल हैं और सॉर्ट ऑफ, और साथ में ऐसी आवाज़ें आ रही हैं ग्लासेस की चेयर करने की। इससे भी मुझे लगता है कि ये आवाज़ मुझे मेरी पोइट्री लिखने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर कर रही है, इसीलिए बार बार स्टिल इस सब के बावजूद भी, इस एडवर्स गंदे माहौल के बावजूद भी
मेरी अंदर से आवाज वही आ रही है, गॉड मुझे यही कह रहे हैं कि तुम लिखो, तुम्हारा प्रोफेशन बहुत ऊपर है, बहुत हाई है. ओके एंड यस, यहाँ इस स्टेंजा का एक और तरीके से हम मीनिंग निकाल सकते हैं. एक तो ये कि हमने अभी जैसे डिस्कस किया कि सभी इंसानों के पास, एक तो मेन को हम जनरलाइज करने के लिए, लेकिन इसको हम एक और तरीके से इंटरप्रेट करने वाले हैं. पेट्रार्कल सोसाइटी के हिसाब से अगर हम इंटरप्रेट करें इसको, तो क्या मीनिंग हो सकता है, एक बार फिर से देखिए स्टेंजा को. ऑल मेन हैव अ टास्क एंड टू सिंग इज माई लॉट. हर आदमी के पास, मेन यहाँ पर अब आदमियों से लेते हैं जो मेल्स हैं, मेल सोसाइटी. ऑल मेन हैव अ टास्क, हर एक आदमी के पास कोई ना कोई काम होता है. कोई भी मेल जो है वो फ्री नहीं बैठता है. उसी तरीके से जैसे आदमियों को काम करना कंपलसरी होता है, उसी तरीके से मेरा भी प्रोफेशन है वो मुझे कहता है, मेरी जो डेस्टिनी है वो मुझे कहती है कि तुम लिखो. मेरी तकदीर में क्या है, मेरा, मेरे पास भी एक टास्क है लिखना, जो मुझे गॉड ने दिया है. नो मेड फ्रॉम मैन आई आस्क, और मैं तो मेल्स से कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहती हूं. मैं तुमसे, मैं आदमियों से कोई रिवॉर्ड नहीं चाहती हूँ. बट वन काइंडली थॉट, सिर्फ इतना ही चाहती हूँ मैं कि आप लोग मुझे सम्मान की नजरों से देखो. मेरे फीमेल होने पर मुझे मत दुत्कारो तुम, ठीक है. और फिर कहती है कि माई वोकेशन इज हाई, क्योंकि मेरा वोकेशन, मेरा प्रोफेशन जो है वो बहुत हाई है. ओके, मिड द ग्लासेस दैट रिंग स्टिल कम्स दैट रिप्लाई, जेंटल लिटिल थिंग. मेरा प्रोफेशन बहुत ऊंचा है इन सब चीजों से, और मुझसे बार बार मेरी अंतरात्मा की आवाज, गॉड की आवाज मुझसे यही कह रही है कि तुम गाओ. सेम रिप्लाई आता है गॉड का हर बार, चैंट पुअर लिटिल थिंग, चैंट पुअर लिटिल थिंग. तुम लिखो अपने प्रोफेशन को, अपनी ड्यूटी को, एज अ वर्शिप तुम फुलफिल करो, कंप्लीट करो. सो दिस वॉज द पोएम. आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी. अकॉर्डिंग टू मी जो इसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए थी वो यही है. और अगर स्टिल कुछ आपको लगता है कि कोई सजेशन होना चाहिए, कुछ कमी रह गई है, तो मोस्ट वेलकम है आप सभी की सजेशंस का. आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें अगर कोई कमी रही तो, और अच्छा लगा तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे और इंस्पिरेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ में लेके आ सकूँ. ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और ही अच्छी सी पोएम के साथ इसी तरह से. और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एज वेल टू गेट माई लेटेस्ट वीडियोज, क्योंकि इमीडिएटली अब बहुत सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाली हूँ. जैसे पोएम्स जो नहीं अवेलेबल हैं स्पेशली, पहले वो करूँगी, उसके बाद फिर दूसरी पोएम्स भी करूँगी. एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की भी बहुत लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, तो वो भी मैं इस पर पोस्ट करने वाली हूँ. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें. एंड नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर.